हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जिला हुगली के बांसबिड़िया से निकाली गई भव्य हनुमान जयंती की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं न्यूज लाइन बांग्ला। हर साल की भांति इस साल भी शोभा यात्रा भव्य और रोमांचक दिखी, जहां पे हजारों हजारों लोगों ने इस साल की शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस शोभा यात्रा की शुरुआत बांसबिड़िया के हनुमान मंदिर से हनुमान सेवा समिति के शोभा यात्रा से हुई और उनके साथ कई और शोभा यात्राएँ भी इस यात्रा में शामिल हुई। इस बार की शोभा यात्रा में मर्द औरत बूढ़े बच्चे सभी एक साथ नजर आए। शोभा यात्रा को डीजे से निकाला गया था, साथ ही शस्त्र की कलाएं इस साल की शोभा यात्रा में शामिल रही। यहां पर इस साल की शोभा यात्रा में पुलिस की कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस ने इस साल शोभा यात्रा में कड़ी व्यवस्था बनाए रखी थी। ड्रोन कैमरा की मदद से निगरानी की जा रही थी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली गई थी। पिछले साल की भांति इस साल ग्रामीण हुगली पुलिस ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया और बड़ी कड़ी सुरक्षा के साथ शोभा यात्रा को बांसबिड़िया के विभिन्न इलाकों से गुजारा। पहले तो ये शोभा यात्रा हनुमान मंदिर कल बाजार से निकलते हुए इस्लामपाड़ा शिवपुर से होते हुए झुलनिया पहुंची और उसके बाद कुछ शोभा यात्राएँ बोरोपाड़ा के तरफ गई और कुछ शोभा यात्राएँ फिर हनुमान मंदिर पहुंची। इस बार बच्चों के अंदर कई सारे उत्साह देखने को मिले। बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी भी इस शोभा यात्रा में नजर आई। उन्होंने हनुमान मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना की और उसके बाद शोभा यात्रा में शामिल होकर हनुमान जी का गदा उठाकर लोगों का मनोबल बढ़ाया। लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही थी। इस साल की शोभा यात्रा बांसबिड़िया की सफल और सबसे अच्छी शोभा यात्रा रही, जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही। हुगली ग्रामीण पुलिस के कई आला अधिकारी इस शोभा यात्रा में मौजूद रहे, जिन्होंने शोभा यात्रा को बांसबिड़िया के विभिन्न इलाकों से सुरक्षित गुजारते हुए हनुमान मंदिर पर इसका खात्मा किया। आइए देख लेते हैं इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी का क्या कुछ कहना था न्यूज लाइन बांग्ला की। সবাইকে শুভেচ্ছা এবং প্রতি বছরের ন্যায় এবছরে আমি এসেছি এবং এই মন্দিরে পুজো দিয়ে মিছিল শুরু হয়। প্রচুর বজরঙ্গবলীর ভক্তরা, রামের ভক্তরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছে এবং এই ঐতিহাসিক মিছিল আমরা সবাই সাক্ষী থাকব, কারণ এবারে 500 বছর পর রামলালা তার বাড়িতে ফিরেছেন। এবং আমরা জানি বজরঙ্গবলীর নাম করতে গেলে বজরঙ্গবলী পছন্দ করে আগে রামের নাম নিতে, এবং আজকে ঘরে ঘরে চারিদিকে রামের নাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম চলছে, খুবই ভালো লাগছে। কি হচ্ছে আজকে দিন, আমরা বলছি না আমরা আজকে দিনের দিকে এগোচ্ছি, মানে আজকে তৃণমূলের গলাতেও আজকে জয় শ্রীরাম শব্দ শোনা যাচ্ছে। স্বাগত জানাই দেবকে, একদম আমরা তো বারবারই বলতাম রাম কারুর একার নয়, রাম বিজেপির নয়, রাম সবাইয়ের। আজকে তারা সেটা প্রমাণ করেছে, রাম সবাইয়ের। সবাইয়ের মাঝখানে জয় শ্রীরামের আশীর্বাদ, বজরঙ্গবলীর আশীর্বাদ সবাইয়ের মাথায় আসুক।